फटाक हर खबर 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। राजस्थान कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच आखिरकार प्रदेश की गहलोत सरकार ने नए साल में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल ही दिया। साल 2018 में सत्ता के सिंहासन के साथ ही कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से भी जूझ रही है, जहां गहलोत गुट और पायलट कैंप की तकरार हर किसी के सामने है। माना जा रहा था कि ऐसे में इस बार चुनावों से महज 2 साल पहले दी जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस आलाकमान को पार्टी के नेताओं और गुटों में तालमेल बिठाना एक अहम चुनौती साबित होगा। आपसी अंतर्कलह के साथ ही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का है। कहा जा रहा है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के इस कदम का कांग्रेस ने विरोध किया था, अब उसी रास्ते पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी चल पड़ी है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को राज्य सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल पिछली वसुंधरा राजे सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय दिगम्बर सिंह ने बीजेपी के जिलाध्यक्षों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बनाने का सिलसिला शुरू किया था। तब कांग्रेस ने इसका भारी विरोध किया था, मगर सत्ता में आने के बाद गहलोत सरकार भी इसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है, मगर वो अलवर जिले में योगेश मिश्रा, बारा जिले में रामजी लाल मीणा, बाड़मेर में फतेह खान, दौसा में रामजी लाल, जैसलमेर में उमेश सिंह तंवर, झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह, जोधपुर में सलीम खान, नागौर में जाकिर गैसावत, राजसमंद में हरि सिंह राठौड़ और सीकर में सुनीता गिठाला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया है। पिछली बार वसुंधरा सरकार ने आदेश दिया था कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बीजेपी के सभी 33 जिलों के जिलाध्यक्ष होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने भारी विरोध किया था और कहा था कि सरकार का ही राजनीतिकरण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले दिनों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में गहलोत कैंप की ज्यादा चली है। पायलट खेमा चाहता है कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियों से दूर रखा जाए, लेकिन गहलोत कैंप का मानना है कि संकट के समय सरकार का साथ देने वाले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।